एस जिंदल जी, बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले ही मैदाने जंग से अगर भाग जाएं तो इसको आप क्या कहेंगे? दलीलें कम पड़ गई या लोकतांत्रिक तरीके से बहस करने की आदत ही छूट गई? ये सवाल तो आज जनता उठा रही। नाविका जी, प्रधानमंत्री जी के पूरे वक्तव्य में, पूरे भाषण में केवल और केवल चुनावी राजनीति ही थी। देखिए, मणिपुर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं, राष्ट्र का मुद्दा है। अगर मैं मणिपुर के मुद्दे की बात करता हूं, ये एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं, एक पूरे राज्य और मणिपुर के वासियों का मुद्दा है। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं, जवाबदारी का मुद्दा है। हम अपेक्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि वे ज्यादा से ज्यादा समय मणिपुर के बारे में बोलेंगे, महंगाई के बारे में बोलेंगे, बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे। लेकिन जब वक्तव्य शुरू हुआ तो केवल पहले 30 मिनट केवल और केवल वक्तव्य, निंदा और केवल दोष, प्रत्यादोष। मुझे हमें समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक चुनावी भाषण सुन रहा हूं या एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत प्रधानमंत्री जी का इस देश का एक एड्रेस सुन रहा। प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे 45 मिनट तक केवल और केवल विपक्ष की निंदा की। विपक्ष का दोष यह था कि उन्होंने जवाबदेही ठहराया प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने जवाबदेही ठहराया सरकार को कि जो कुछ मणिपुर में हुआ वो गलत हुआ। पूरे वक्तव्य में मणिपुर को कितना समय दिया गया? 5 मिनट। इन 5 मिनटों में क्या बातें की गई? कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार जवाबदेही नहीं है? अगर जवाबदेही है तो उनके जवाब में केवल और केवल निंदा ही क्यों? आज जब पूरा विपक्ष ने वॉकआउट किया, तो सही कहूं तो भारत के आजाद होने से पहले जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसकी याद आ गई, जब अंग्रेजों में घमंड होता था। लेकिन लोकेश जिंदल जी, शायद आप भूल रहे हैं, शायद आप भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि माइक्रो डिटेल के लेवल तक कल गृह मंत्री ने जवाब दिया, मैं उसको आगे ले जाता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर जितना इस सरकार के लिए जरूरी है वो उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया। लेकिन गौरव भाटिया जी, क्या विपक्ष सिर्फ मुद्दे उठाने के लिए मुद्दे उठा रहा है? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं तय करके आए हैं कि सवाल पर कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे और जो मुद्दा उठाया है उस पर बहस में जवाब भी नहीं सुनेंगे। गौरव भाटिया जी। नाविका जी, ऐसे ही थोड़ी ना इनका नाम घमंडिया पड़ा है। ये घमंडिया ही तो है जो इनको डुबा के ही मानेगा। और देखिए कितनी बेतुकी बात करते हैं। इन्होंने कहा बेरोजगारी पे, महंगाई पे बोला ही नहीं। अरे निर्मला सीतारमण जी का भाषण सुनते हैं, एक एक बिंदु पे उन्होंने आंकड़े देके पूरा अर्थव्यवस्था, रोजगार, कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे नौकरियां आई, एमएसएमई, किसान, हर बिंदु पे उन्होंने अपनी बात रखी। मणिपुर पे आपने बिल्कुल सही कहा, अमित शाह जी ने तथ्यों के साथ, पूरी तैयारी के साथ, जैसे कि एक गृह मंत्री जी को देश को संबोधित करना चाहिए वैसे उन्होंने किया। दूसरी तरफ मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने क्या गृह मंत्री अमित शाह जी का उत्तर सुना? क्या वो थे पार्लियामेंट में, बताइए मुझे। बल्कि आप सोचिए, वो ऐसे छात्र हैं जो फेल तो होते ही हैं, ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, लॉन्च होता नहीं है। और साथ में घमंडिया ये है कि वो वहां संसद में रहे भी नहीं सुनने के लिए कि गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, सारे नेता जितने विपक्ष के बोले, नाविका जी, पूरे देश ने देखा, एक नेता ने ना बोले, जवाब सुन लीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। शांति बहाली में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। एक व्यक्ति ने भी एक सुझाव नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। केवल मोदी जी से नफरत, मिट्टी का तेल लेकर आया हूं देश को जलाना है, क्योंकि जब देश जलेगा तो ही हम अपनी राजनीतिक रोटी सेक पाएंगे। और देश तब शर्मसार होता है जब वो देखता है कि निठल्ला, नकारात्मक, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक विपक्ष केवल देश को तोड़ना चाहता है। मैं डॉक्टर